रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में कार गिर गई, कार सवार शख्स की मौत हो गई है, नदी से बरामद हो गई है लाश। कड़ी मशक्कत के बाद नदी से शव को निकाला गया है। अगस्त मुनि में मंदाकिनी नदी में कार गिरने की वजह से हादसा हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये वो कार है जो कि आपको बहती हुई नजर आ रही होगी। मंदाकिनी नदी में कार गिरी और इस हादसे में कार सवार की मौत हो गई, जिसके शव को भी बाहर निकाल लिया गया है। इस कार को भी बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ये भयानक हादसा, कार मंदाकिनी नदी में गिर गई, जिसकी वजह से एक शख्स की जान चली गई, एक शख्स की मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तेज बहाव आप देख सकते हैं नदी का, जिसमें ये कार गिर गई और इस कार में सवार युवक की मौत हो गई, जिसके शव को भी बरामद कर लिया गया है। अगस्त मुनि की घटना बताई जा रही है, जहां ये कार मंदाकिनी नदी में गिरी और इस हादसे में कार सवार शख्स की मौत हो गई, जिसके शव को भी बाहर निकाल लिया गया है। रानीखेत के चौखुटिया में मंगलवार रात से हो रही बारिश के चलते बरसाती नाले में स्कूटी सवार युवक बह गया। युवक सौन गांव का रहने वाला था, वो होमगार्ड का जवान था। युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युवक की खोजबीन में लगी हुई है, लेकिन अभी तक युवक का कोई भी पता नहीं चल पाया है। तो रानीखेत का ये मामला चौखुटिया का, जहाँ पर एक शख्स बह गया है पानी में, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी तक उसके बारे में कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है युवक का पता लगाने। यमुना घाटी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पटरी से उतर गया है। बारिश के बाद सड़कें बंद हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय भवन में जलभराव की वजह से नजारा ऐसा लग रहा है जैसे वहां नदी। उधर बारिश से किसानों की खेती को भी नुकसान पहुंच रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दोनों ही तस्वीरें ये बता रही हैं कि बारिश की वजह से तबाही का मंजर अब सामने आ रहा है और लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। 18 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। पानी लबालब गांव में भर चुका है, लग रहा है मानो कोई नदी हो। इसके साथ ही साथ सड़कें बंद हो गई हैं कई जगहों पर, और कई जगहों पर मुख्य मार्ग से संपर्क भी कई गाँव का टूट चुका है। बड़कोट में लगातार बारिश से क्या हालात हैं वो हम आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। यमुना का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बारिश से NH-94 पर भूस्खलन के साथ एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसे काटकर रास्ता खोलने की कोशिश शुरू की गई। वहीं भूस्खलन से लिंक रोड भी बंद हो गई। नंगड़ा गांव मोटर मार्ग बंद हो गया। हालात ये हैं कि कस्तूरबा गांधी आवासीय भवन में पानी घुस गया। वहीं विश्राम भी गंग नानी के बीच सैलाब बहने लगा। राजकीय जूनियर हाई स्कूल में भी पानी घुस गया है। और भारी बारिश को देखते हुए नैनीताल जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भूस्खलन वाली जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। जिले में 31 जेसीबी मशीनों को तैनात कर दिया गया है। गौला नदी के जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। आम जनता को नदी किनारे ना जाने की सलाह दी जा रही है। आपदा प्रबंधन टीम 24 घंटे अलर्ट पर रहे, ये डीएम ने आदेश दिए हैं। तो नैनीताल में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 31 जेसीबी की टीमें तैनात की गई हैं, जेसीबी तैनात की गई हैं, और आम जनता को भी नदी किनारे ना जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही साथ डीएम तमाम हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। भूस्खलन वाली जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है और लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि वो नदी के पास ना जाएं। गौला नदी के प्रवाह पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। गौला नदी के जल स्तर पर नजर रखी जा रही है। उधर जोशीमठ ऋषिकेश बद्रीनाथ NH बंद हो गया है। भारी बारिश के चलते पागल नाला में मलबा आ गया। आए दिन पागल नाला में मलबा आ रहा है। भारी भूस्खलन से टंगड़ी मल्ली टंगड़ी तल्ली गांव को खतरा हो गया है। कटाव के चलते दोनों गांव के लोगों में दहशत है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइनें देखने को मिल रही हैं। तो भारी भूस्खलन के चलते कटाव हो रहा है और इस कटाव से गांव के लोग अब दहशत में आ गए हैं। सड़क भी पूरी तरीके से जाम हो गई है। आलम यह है कि लंबा जाम सड़क पर देखने को मिल रहा है। हालांकि टीम मौके पर तैनात है और इस हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है। खबर उत्तरकाशी से, जहां जिले में बारिश लगातार जारी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर फिर
कई जगह से बंद हो गया है हाईवे। धरासू से ब्रह्मखाल तक हाईवे कल से बंद पड़ा है। NH 94 धरासू के आगे मलबा आने से बंद हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कटान होने से गंगोत्री धाम में दुकानों को खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें आप देखिए, जो पानी का प्रवाह है वो काफी तेज है, पानी की जो धार है वो काफी तेज है, जिसकी वजह से लोग भी दहशत में अब जीने को मजबूर हो गए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। धरासू से ब्रह्मखाल तक हाईवे कल से बंद पड़ा हुआ है। NH 94 धरासू के आगे मलबा आने की वजह से बंद हो गया है। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। घर है वहीं पर, यानी कि रिहायशी इलाका है जहां पर लोग रहते हैं, और वहीं पर भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और दहशत में जीने को मजबूर। और बड़कोट से यमुनोत्री हाईवे भी बंद हो गया है। बड़कोट से खबर, जहां नेशनल हाईवे 94 पर कई जगह मलबा गिरा है, यमुनोत्री हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। मार्ग बंद होने से इलाके के कई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। तो नेशनल हाईवे 94 पर कई जगह मलबा गिरने की वजह से रोड पूरी तरीके से बाधित हो गई है, बंद हो गई है, और यही कारण है कि कई ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है, मुख्यालय से टूट चुका है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीच सड़क पर मलबा आकर गिर गया है, बड़े बड़े बोल्डर्स आकर गिर गए हैं, जिन्हें हटाने का काम हालांकि चल रहा है, लेकिन इस बीच कई गांव का संपर्क टूट गया है मुख्य मार्ग से। तो NH 94 पर कई जगह मलबा गिरने की वजह से जगह जगह से ये जो मार्ग है वो बाधित हो गया है, जिसका नतीजा ये है कि कई गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। आवाजाही में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, काम चल रहा है, इस मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन बिगड़ते मौसम में ये तस्वीरें लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर रही हैं। और अब बात विकास नगर की, जहां बारिश के बाद परेशानी का आलम है। डाकपत्थर जीवनगढ़ रोड पुलिस चौकी के पास पानी ही पानी है। जलभराव होने से पानी लोगों के घरों मकानों में घुस गया है। पैदल चलने वालों के लिए भी आफत कम नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हर बारिश में यहां ऐसे ही हालात बन जाते हैं। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, तालाब में तब्दील ये जो सड़कें हैं वो हो चुकी हैं, जिसके बाद सवाल नगरपालिका के इंतजामों पर खड़े हो जाते हैं, उन दावों पर खड़े हो जाते हैं जो बारिश के मौसम से पहले नगरपालिका की तरफ से किए जाते हैं। बड़कोट के कलोगी में भूस्खलन की वजह से गौशाला गिर गई, जिस वजह से इसके अंदर 3 मवेशियों की मौत हो गई, साथ ही गौशाला के अंदर रखा सामान भी खराब हो गया। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश से गौशाला की दीवार गिर गई, इससे पहले लोग कुछ कर पाते पूरी गौशाला ही गिर गई। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात से चंपावत जनपद की भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी अपने उफान पर है, जिसके चलते बनबसा बैराज से उत्तर प्रदेश की और करीब 1.5 लाख क्यूसेक प्रति सेकंड पानी पास किया जा रहा है। साथ ही बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। तो शारदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, और यूपी के भी कई इलाकों में इसका असर पड़ सकता है। यूपी की तरफ तेजी से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यूपी के कई इलाकों में पानी भर सकता है, जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है, अलर्ट जारी कर दिया गया। शारदा बैराज में इस समय पहाड़ों पर काफी बारिश हो रही है, 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हमारे बैराज पर लगभग 1.5 लाख से पानी करीब पास किया गया है। इससे उत्तराखंड के 2 जिले तथा यूपी के 4-5 जिलों प्रभावित होते हैं, मुख्य हैं लखीमपुर खीरी पीलीभीत और प्रभावित। कोविड काल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और चारधाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यात्रा पर 18 अगस्त तक रोक जारी रखी है। राज्य सरकार ने सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया कि उन्होंने उच्च न्यायालय के चारधाम यात्रा की रोक के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होती, उन्हें यात्रा में रोक पर कोई आपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में सपोर्ट स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और वार्ड बॉय के कितने खाली पद हैं उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस की स्थिति को भी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने की बात कही।
सुनते हुए डायरेक्शन दिए है लर्नेट मेडिकल हेल्थ को कि आप एक तो डेथ ऑडिट रिपोर्ट देंगे और प्लस डेल्टा वेरिएंट के जितने भी आपने टेस्ट रिपोर्ट्स भेजी थी एनसीडीसी में उसकी रिपोर्ट्स कोर्ट में फाइल करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि जितने भी आपने एम्बुलेंसेस बनाए हैं वो कम है, 54 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं और 94 की दरकार है, 94 ब्लॉक्स बताए गए हैं। तो मेडिकल सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा है कि हमने 41 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस केंद्र सरकार से मांगी है। देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा फिर से देखने को मिला। केदारनाथ धाम में भूमि को नापने गए अधिकारियों को तीर्थ पुरोहितों के गुस्से का सामना करना पड़ा। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार देवस्थानम बोर्ड के जरिए जबरन धाम में कार्य कर रही है, तीर्थ पुरोहितों की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है और बिना उन्हें पूछे उनकी भूमि पर निर्माण किया जा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी लोग कुछ जो है व्यक्तिगत भूमि को जो है नापने आए थे यहाँ पे, जिसका यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया, जबकि बिना तीर्थ पुरोहित, जबकि एक प्रकार से सरकार और अधिकारी लोग कह रहे हैं कि तीर्थ पुरोहितों को संज्ञान में लेके हर कार्य केदारनाथ में किए जाएंगे। और आज मौजूदा स्थिति यह है कि अधिकारी लोग जो है बिना तीर्थ पुरोहितों को संज्ञान में लिए, हमारी जो केदार सभा है उसको बिना संज्ञान में लिए यहाँ पे हमारे व्यक्तिगत भूमि को नाप रही है, जिसका तीर्थ पुरोहित घोर रूप से विरोध करते हैं। चारधाम यात्रा शुरू करने समय चार मांगों को लेकर रुद्रप्रयाग में होटल कारोबारियों ने हंगामा किया। इनका कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू नहीं होने से इन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर यात्रा शुरू नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि चारधाम यात्रा बंद होने से इससे जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है, इसलिए सरकार को इसे ध्यान देना चाहिए। तो आपको जानकारी दे दें कि कोर्ट ने फिलहाल चारधाम यात्रा पर रोक लगा रखी है और अब इसी बीच हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी सस्पेंस बरकरार हो गया है। इस बार 10 मई को हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन चारधाम यात्रा पर रोक लगने के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने पहले से ही यात्रा की सभी तैयारियां कर रखी हैं, सिर्फ सरकार के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। में भाजपा कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत धामी कैबिनेट के मंत्री शिरकत करने पहुंचे हैं। ये बैठक सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ रखी गई। तेईस अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्र की तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी 23 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। इसके लिए विधायकों से प्रश्न भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी तक 593 प्रश्न विधायकों की तरफ से भेजे गए। 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में इसी महा कैबिनेट ने इसमें निर्णय लिया है कि देहरादून में सत्र होगा विधानसभा का, और हम लोग तैयार हैं, तैयारियां लगभग अब हम शुरू कर रहे हैं। और जहाँ तक प्रश्नों की बात है, आपको जानकारी, कोरोना के दौरान हमने एक सुविधा दी थी कि जो माननीय विधायक नहीं आ सकते तो ऑनलाइन अपने प्रश्न भेजे हैं, बाद में मूल प्रति देके हम उसको समाहित करेंगे। और लेकिन अब कोरोना की वो स्थिति नहीं है, लोगों ने आना भी प्रारंभ किया है, क्वेश्चंस भी काफ़ी आ रहे हैं। अभी तक 593 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं और ये क्रम अभी जारी है। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल से उत्तराखंड में उद्योगों को 100 से 150 करोड़ का नुकसान हुआ है। इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने इसे लेकर मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री से मिलकर नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। बिजली कर्मचारियों के हड़ताल की वजह से इंडस्ट्री को 16 से 24 घंटे तक विद्युत आपूर्ति नहीं दी गई है। व्यापारियों का कहना है कि इस दौरान उनका कच्चा माल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उत्तराखंड में तकरीबन 8,000 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो पूरी तरह से विद्युत पर निर्भर है। इंडस्ट्री को मोहरा बना के आप सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहें, ऐसा देश में मैंने पहली बार उत्तराखंड में होते हुए देखा है कि रात को 12 बजे और 2:30 बजे सारे औद्योगिक फीडर्स को आप किसी ना किसी कारण से शटडाउन कर दें। मैं तो कहूँगा शटडाउन किया, डिस्टर्ब किया अपने पावर को, वो अपना आप में एक बहुत बड़ा विषय है और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि किसी को नेशनल प्रॉपर्टीज़ के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। क्योंकि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल थी और उस हड़ताल से लगभग 100 करोड़ का नुकसान हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को हुआ है, 40 करोड़ का नुकसान
सरकार को भी हुआ है, लेकिन हम भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की घटना ना हो, क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री प्रभावित होती है तो उसकी वजह से कितना नुकसान होता है इसकी आपने खुद देख लिया होगा। उत्तराखंड के उद्योगों में राज्य के युवाओं को 70% रोजगार देने के मामले में विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने 10 दिन में रिपोर्ट तलब की है। जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय युवाओं को उद्योगों में 70% रोजगार देने का प्रावधान है, लेकिन फिर भी इस पर काम नहीं किया जा रहा है। मुझे 10 दिन के अंदर ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर जो है रोजगार, यहाँ के स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा, हमारी जो एमएसएमई पॉलिसी है उस पर उत्तर प्रदेश आसाम की दर पर 1000 दिन की छूट हम दे रहे हैं, उनको लगा कि 1000 दिन तक उसकी उनको कोई उनकी कोई जांच नहीं होगी, इसको हम करने जा रहे हैं। इसलिए हमारी इसी प्रकार हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी 2022 में समाप्त हो रही है, उसको बढ़ाने के लिए हमने कहा है कि भारत सरकार को लिखें। जोशीमठ विकास खंड के डुमक गांव में आज भी विकास की सड़क नहीं पहुंची है। यही वजह है कि बीमार लोगों को कई किलोमीटर पैदल सफर करके अस्पताल तक ले जाया जा रहा है। डुमक गांव की हरकी देवी नाम की महिला की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने पगडंडी के सहारे 12 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करके उसे सड़क तक पहुंचाया, और जिसके बाद महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाया गया।